2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न की जो है वो तीन सीजन रिलीज़ हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्य सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी बिल्डर्स स्टार पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं इससे अलग अलग भाषा में भी डॉल्प कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए यह आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस अफ्तार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीजन दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवन द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीज़न है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई शंकराम राठौर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन वोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अद तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमिता सेन ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पैनड्राइव देती है जो रूसी मा के साथ काले धन और नशे दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोहही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफस्टार पर जा देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न की जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिल्प डिजनी बिल्डर सॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं जैसे अलग अलग भाषा में भी कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी की लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस अवतार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं। पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है जो पहले वाले सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अद तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमा श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी मातकार के साथ काले धन और नचली दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोहि से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस हफस्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस हफ्टार पर जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज़ हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेडी कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी बिल्डर्स हॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं इसी अलग अलग भाषा में बेडअप कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी को लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है और पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है जो कि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधे रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया है पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू तो के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो एंड तक जरूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मजा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोक मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवनी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेंड्रा देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नच दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरहही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिज़नी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए ये आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर जाकर देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे तो ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल थी आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में भी डॉड कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है और पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधुनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौर या यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नजर आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं ये सब देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमा शैन ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशे दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोहही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए यहाँ आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफस्टार पर जा देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेडी कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी पिल्डर सॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी को लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधे रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया है पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप एंड तो तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुषमिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित की इस वेब सीरीज़ में सुषमा श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्या आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी मात के साथ काले धन और नचली दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोहही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पर जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे तो ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आईएमडीबी एम है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी पिल्डर्स स्टार पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं इसे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी को लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीजन बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीजन थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो तक जरूर मैं तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मजा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस अवतार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवनी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेन ड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशी दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ्टर पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिज़नी प्लस पर पे जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सीफ डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं जिससे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पेन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानदेही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधा रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया है पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीजन थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवन द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाले सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीज़न देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोखल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमा शैन ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशे दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोहही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए ये आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जा देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से गिर भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेडी कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटे टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी पिल्डर सॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं इसी अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधे रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू तो के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीज़न देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुषमिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित की इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी मात के साथ काले धन और नशी दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए ये आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जा देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे तो ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपर हिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीजन थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज नहीं होने देंगी आप तो मैं इन तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मजा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवन द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्या के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई शंकर राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अद तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता शैन ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशी दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिज़नी प्लस हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिज़नी प्लस हॉफ स्टार पर जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं जिससे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है वो पेन जोजा के ऊपर निर्भर है और पेन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधा रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधुनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाले सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमा सैन ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नचली दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोहही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए ये आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफ्टार पर जाकर देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपर हिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेडी कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिज़नी पिल्डर्स हॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है तो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधे रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर बहरा सीज़न देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुषमिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशी दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिज़नी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस हॉफ्टार पर जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपर हिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी पिल्डस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पेन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज नहीं होने देंगी आप तो मैं इन तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवन द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई शंकर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका टेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोक मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मा श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशे दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए यहाँ आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जा देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपर हिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी प्लस सॉफ पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं जिससे अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है वो पेन जोजा के ऊपर निर्भर है और पेन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधा रखती है इसके सभी सीजन बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू तो के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधुनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाले सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अद तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमा श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी मातकार के साथ काले धन और नचली दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिज़नी प्लस ऑफ पे जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से गिर भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज़ हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेडी कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी बिल्डर्स हॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं लेकिन अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है और पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधे रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मजा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुषमिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं ये आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवनी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशी दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस सॉफ्टर पे जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे तो ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी पिल्डर्स हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं जिससे अलग अलग भाषा में भी डॉल्प कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पेन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधुनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवनी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता शैन ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्या आर्यासी भी योनि खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशील दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के खिलाफ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए यहाँ आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफस्टार पर जाकर देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको समय मिले तो आप इसे तो ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपर हिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेडी कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी पिल्डर सॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं जिससे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधे रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाले सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई शंकर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अद तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित की इस वेब सीरीज़ में सुषमा श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नचले दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफस्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जा देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न की जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये एक हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं इसी अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी को लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानदेही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो मैं तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मजा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई शंकर राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुषमिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं ये सब देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवनी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेन ड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशे दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लास हॉफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टर पे जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी प्लस सॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं जिससे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है और पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधा रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू तो के राइटर अलग हैं और सीजन थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाह रहे हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक जरूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधुनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है जो पहले वाले सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मा सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमा श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी मातकार के साथ काले धन और नशील दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए यहाँ आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस ऑफस्टार पर जाकर देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको समय मिले तो आप इसे तो ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से गिर भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज़ हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेडी कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी पिल्डर सॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है तो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधा रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया है पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीज़न है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुषमिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित की इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नचरी दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस हफस्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस हॉफ्टार पर जा देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न की जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी को लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पेन जोजा के ऊपर निर्भर है और पेन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीजन थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मजा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवन द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई शंकर राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवन द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता शैन ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशील दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्य को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस स्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देखिए आपको पसंद जरूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिज़नी प्लस हॉफ पे जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे तो ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सीफ डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं जिससे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पेन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधा रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस अफतार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधुनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाले सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं ये सब देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमा सैन ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशी दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोहही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस ऑफ्टर पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिज़नी प्लस ऑफ स्टार पर जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपर हिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लेडी कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी पिल्डर्स हॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में भी डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है और पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानदेही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुषमिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नशी दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस हॉफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस हॉफ्टार पर जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपर हिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं जिसे अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है वो पेन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बातें रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज नहीं होने देंगी आप तो मैं इन तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधुनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्या के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई शंकर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका टेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोक मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित की इस वेब सीरीज़ में सुष्मा श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको बताया होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नचर दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लास ऑफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस होस्टार पे जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे जरूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में सिर्फ डिजनी प्लस सॉफ पर देखने को मिलेंगी जहां से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं जिससे अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी को लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज है वो पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पेन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है क्योंकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधा रखती है इसके सभी सीजन बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीज़न थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज़ नहीं होने देंगी आप तो मैं एंड तक ज़रूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मज़ा बना रहें वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधुनी द्वारा निर्देशित आर्य टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाले सीजन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई शंकर यानी कि अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ से शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीजन देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुष्मिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुषमा श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नचली दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे ग्रोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्य कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिज़नी प्लस ऑफ पे जाके देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा 2023 में बहुत सारी कमाल की फिल्में और सीरीज़ आई है कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है जिन्हें हम देखने बैठते हैं तो हम अपनी सीट से गिर भी नहीं पाते हैं यही चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो और ऐसी एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आर्या दोस्तों अभी तक इस सीज़न के जो है वो तीन सीजन रिलीज हुए हैं और सभी के सभी दोस्तों जो है वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी ही सीरीज़ है और इसके अंदर आपको ताले की सुपरहिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं इनकी एक्टिंग यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप सच में इनके फ़ैन होने वाले हैं आर्यन सीरीज़ दो जो है उसे 2020 में पहली बार रिलीज़ कराया गया और इसके अंदर आपको थ्रिलर एक्शन क्राइम देखने को मिलता है अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर दस में से इसे लगभग आठ की रेटिंग मिली थी और जो रोटेन टोमेटो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में और इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आर्या सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को हिंदी में श्रीप डिजनी बिल्डर्स हॉफ्ट पर देखने को मिलेंगी जहाँ से आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं इसी अलग अलग भाषा में डब कराया गया है अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप इसे दूसरी भाषा में देख सकते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो दूसरी को लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखना पसंद करते हैं लीड का समय यहाँ पर सुष्मिता सेन सिकंदर खैर भूपेंद्र जदावत अंकुर भाटिया और विकास कुमार देखने को मिलेंगे और सभी ने काम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर दिखाया है दरअसल ये जो सीरीज़ है पैन जोजा के ऊपर निर्भर है और पैन जोजा दोस्तों क्या है वो तो शायद आप में से बहुत लोग ही हो गए जिसे 2010 में पब्लिश किया गया था और इसी के आधार पर इस पूरी जो सीरीज़ है इसे बनाया गया है चूँकि एक नीदरलैंड की तरफ से आने वाली एक जो है वो फिल्म थी तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड तक बाधे रखती है इसके सभी सीज़न बहुत ही बढ़िया हैं पर मैं आपको बता दूं कि जो सीज़न वन है इसके राइटर अलग थे सीज़न टू के राइटर अलग हैं और सीजन थ्री के अंदर भी आपको लगभग अलग देखने को मिलेंगे पर हाँ एक बात कॉमन है कि अनु सिंह चौधरी वो जो है सब सीज़न के अंदर आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राइटिंग की हुई है अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी जो है नाराज नहीं होने देंगी आप तो एंड तक जरूर बांधे रखेंगी चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ ताकि आपका देखने का मजा बना रहे वैसे अगर देखा जाए तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं वे दोस्तों आप पर निर्भर करता है हालांकि इसके तीनों के तीनों सीज़न दोस्तों बहुत ही बढ़िया हैं पर मुझे जो तो है सबसे कमाल का इसका पहला वाला सीज़न जो है लगा था जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वेब सीरीज़ एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपराध और आपराधिक दुनिया में लड़ती है और वहाँ पर अपना कदम रखती है राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्या टू की जो कहानी है इसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो पहले वाला सीज़न है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इस सीरीज़ को वहाँ से ही कंटिन्यू किया गया है सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ में धाकड़ महिला आर्य का किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है वेब सीरीज़ की कहानी आर्य के पिता जोरावर राठौर यानी कि जयंत कुबलानी और भाई संग्राम राठौरानी की अंकुर भाटिया और उदयवीर शेखावत यानी कि आकाश खुराना के साथ ठीक वहाँ शुरू होती जहाँ पर ख़त्म होती थी अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर पहला सीज़न देखा हो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस वेब सीरीज़ में आपको एक बार फिर सुषमिता सेन भोकल मचाते हुए नज़र आने वाली है ऐसे में अब तक आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो हम दोस्तों आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ये आपको अच्छी लग सकती है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो आप इसे अकेले ही देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए हो सकता है राम माधवनी द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज़ में सुष्मिता श्यान ने एक माँ का किरदार निभाया हुआ है और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पति को उसके भाई और उसके पिता मार देते हैं और एक पिता अपनी विरासत को बचाने के लिए बलिदान कहकर अपने बेटे को मार देता है पति की मौत का पता लगाने के और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या आखिरकार अपराध की दुनिया में उतरी जाती है आर्या को अपने परिवार को बचाना है अपने बच्चों को बचाना है और कुछ बदला भी लेना है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्यासी भी योनिस खान को पेनड्राइव देती है जो रूसी माफिया के साथ काले धन और नचली दबाव का पर्दाफाश करने का वादा करता है और बदले में वह उसे गिरोही से बचाता है तथा आर्या को उसके बच्चों के संग ऑस्ट्रेलिया भेजने में मदद करता है लेकिन आर्या को उन तीनों के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए राजस्थान वापस आना पड़ता है हालांकि एक बार फिर आर्या को अपने परिवार का सामना करना पड़ता है जिस पर उसे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आर्या कैसे अपने परिवार को बचाती है और क्या वो बचा पाएगा नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा जो आपको डिज़नी प्लस हॉफ्टार पर देखने को मिलेंगी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए आपको पसंद ज़रूर आने वाली है फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर जा देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पहले भी देखा होगा बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो आपको वो समय मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा